क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर. सपोज एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वन आई लेट इट एज पोलिनोमियल पी एक्स एंड दिस इज एज पोलिनोमियल जी एक्स फाइव प्लस टू एक्स. सो लेट अस फाइंड द रिमाइंडर बाई यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक फाइव प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर इट इज माइनस फाइव. देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज हियर इट इज माइनस फाइव बाय टू. सो द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द जी एक्स इक्वल टू जीरो इज द वैल्यू ऑफ ए. सो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए. सो द वैल्यू ऑफ ए इन दिस केस इज फाइव बाय टू. नाउ अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए, राइट? पी ए, पी ए. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इज माइनस फाइव बाय टू एट द प्लेस ऑफ ए. Put equal to minus 5 by 2. Now, what is P x? P x is given this. P minus 5 by 2 we need. तो यहाँ पे x की जगह पे P x में 5 minus 5 by 2 put करेंगे तो हमें मिल जाएगा P minus 5 by 2. अगर हम लोग लेफ्ट साइड में put करेंगे तो हमें राइट साइड में भी x की प्लेस पे क्या put करना पड़ेगा? Minus 5 by 2. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? Yes, absolutely right. Minus 5 by 2 power 3. प्लस माइनस फाइव बाय टू एक्स की प्लेस पे हम लोग माइनस फाइव बाय टू पुट कर देंगे. थ्री माइनस फाइव बाय टू. नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन देन यू विल गेट द रिमाइंडर. सो इट कैन बी रिटन एज 125 बाय 8. लेट मी सिंप्लीफाई इट. ओके, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट कम्स आउट टू बी माइनस 27 बाय 8. ओके, लेट मी चेक इट. इट इज 5 5 25, 3 75 बाय 4, माइनस 15 बाय 2 प्लस 1. इफ यू टेक द एलसीएम हियर, 8 इज द एलसीएम इन दिस केस. इट्स माइनस 125 एज इट इज. 75 टू जा 150, 215 फोर जा 15, 4 जा 60 प्लस 8. So if you simplify this, it comes out to be 25, 25, 33, 60 minus 33, 7. Yes, absolutely right. It comes out to be minus 27 by 8 is the remainder in this case. I hope this question is clear to you all, how to find out the remainder.